आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। श्री राम सेवा समिति आगरा द्वारा वाटरबॉक्स स्थित होटल अतिथि वन में होली मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस होली मिलन समारोह के दौरान मौजूद रहे। होली से पूर्व ही होली की खुमारी ताज नगरी में लोगों के सर चढ़कर बोल रही है, जिसको लेकर ताज नगरी में अलग अलग संस्थाओं द्वारा लगातार होली मिलन समारोह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीराम सेवा समिति द्वारा वाटरबॉक्स स्थित होटल अतिथि वन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी एंटी रोमियो स्क्वाड नीतू शर्मा मौजूद रही। आज का जो श्रीराम सेवा समिति द्वारा होली मिलन समारोह रखा गया है होटल अतिथि वन में, तो इसका मूल उद्देश्य हमारा एक यही है कि जो कोरोना काल के द्वारा अगले साल हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाए थे, हमारे मन में बड़ी एक पीड़ा थी, तो इस बार हमें समय मिला है इस कार्यक्रम को करने के लिए। तो इस कार्यक्रम को करने का हमने विचार बनाया और इसलिए कर रहे हैं कि इसमें सभी जो हमारे पदाधिकारीगण हैं और हमारे अतिथिगण हैं, सबको हमने बुलाया है, सबका सम्मान करना है और हमें अपने मीडिया का भी सम्मान करना है, क्योंकि हमारे मीडिया बंधु भी बहुत सेवाएँ देते हैं हम लोगों को। तो यही मैं उम्मीद करता हूँ श्री राम जी से अपने से कि अब जो होली का मिलन समारोह वो रंग रूप सबको भर दे। कार्यक्रम की शुरुआत रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुई, जहाँ ब्रज की कृष्ण राधा की होली की झलक ने कार्यक्रम में मौजूद सभी मेहमानों का मन मोह लिया। सबसे पहले तो मैं श्रीराम सेवा समिति की तरफ से सभी बहनों को और सभी क्षेत्रवासियों को और सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह से श्रीराम सेवा समिति के सभी बहनों ने और पदाधिकारियों ने मिलकर जो होली पर कार्यक्रम रखा है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। इसमें रंगारंग प्रस्तुतियाँ भी हो रही हैं, वृंदावन से कलाकार बनाए गए हैं जिनके शानदार झांकियाँ निकली हुई हैं। होटल अतिथि वन में होली महोत्सव का प्रोग्राम रखा गया है। मैं ये चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम भव्य रूप से हो और ये वृंदावन की कलाकार पार्टियाँ आई हैं, वो अपनी प्रस्तुति दे रही हैं। इसमें जो हमारी कार्यकारिणी बनी हुई है उन बहनों का भी सम्मान होगा। समिति के सदस्यों द्वारा कई छोटे छोटे रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान होली मिलन समारोह में संस्था से जुड़े कई सदस्यों का एक एक कर सम्मान भी किया गया। अनिल कुमार, सी न्यूज, आगरा।